वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त सी डिश बना के दिखा रही हूँ। इसका नाम है थ्रेड चिकन, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपने ना एक प्लेट, एक बाउल, जितना आपने मतलब आपने ना थ्रेड चिकन बनाना है ना, उसी हिसाब से अपना चिकन की बोनलेस ले लें, उनकी क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लें। फिर सबसे पहले हम ना इसको मैरिनेट करके रखेंगे, ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक चम्मच लेमन का जूस, ठीक है, एक चम्मच सिरका, ठीक है, एक बड़ा चम्मच आपने सोया सॉस का ले लीजिएगा। वो नमक आप अपने मतलब चिकन के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। जितना आपका चिकन होगा ना आप उसी हिसाब से डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेड चिली भी ना आपने ना ये वाली दड़ा वाली डालनी, दड़ा मिर्च, दातड़ मिर्च, दड़ा मिर्च, जो भी इसको आप लोग कह सकते हैं, तो आपने ये डालनी है। उसके बाद आपने ना आधी चम्मच काली मिर्च की डाल देनी है, मतलब वो भी काली मिर्च का भी टेस्ट अपने हिसाब से डालिएगा। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके ना आप लेना है इसके अंदर ना आप लेना मैं सारा चिकन ना 3 से 4 घंटे के लिए ना मैरिनेट करते हैं। ये सारा मैरिनेट करके इसको ढक के रख देना एक साइड पे, ठीक है। अब हम आपको थ्रेड कटिंग करने बताती हूँ। पर जो आपने कह में लेके ना तो छुरी बिल्कुल आपने तेज़ वाली लेनी, इससे आपने ना इस तरह की कटिंग कर लेनी, बड़ी ज़बरदस्त कटिंग हो जाती है। आपने इन तमाम कटिंग करके ना तो आप ये रखें, फिर मैं आपको बनना सिखाती हूँ। हम इसकी ना कटिंग करेंगे, इसमें तैयार करते हैं। कॉर्नफ्लोर आपने ना 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है, और नमक और सुर्ख मिर्च, ठीक है। आपने ये सारे डाल के ना इसको तैयार करें। चल हाँ बिस्मिल्लाह रहमान चले। चम्मच मैंने नमक और हाफ चम्मच मिर्चों का डाल के ना इनको आपने मिक्स करना है, और इसमें ना आपने थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको घोल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के ना आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ठीक है, इस तरह आपने अच्छी तरह इसको ना मिक्स करना है हाथों से ना। इतना कोशिश की कि ये देखे ना आप पकड़ के कि आपके नमक मिर्च भी मिक्स हो जाए, कॉर्नफ्लोर इसके साथ मिक्स हो जाए। फिर आपने कोशिश की देखें ये इसको पकड़ के ये जोड़े हाथ से, फिर आपने इसके अंदर ना चिकन का पीस रख के ना करना है, ठीक है। चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 से 3 घंटे हो गए। अब इसके साथ मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। थोड़ा सा ये इसी की पट्टिया ये लेनी है, इसके बाद चिकन रखना है, फिर आपने ये करना है, ठीक है। इस तरह आपने दबाया नरम नरम हाथों से, ठीक है। ये सारी इसके अंदर ना जैसे चिकन के अंदर पानी होता है ना, सिरका वगैरह लगा तो उसी की वजह से नमी आ जाती है, ये चीज़ें आराम से आपस में जुड़ जाती है। इस तरह ये सारी मैंने ना बना के आप रख लें, फिर आप फ्राई करें, मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। बाद इसमें हमें फ्राई शुरू करना है, ज़्यादा गर्म घी में ये दरअसल के अंदर चिकन कच्चा है ना, इसलिए आराम आराम से आप देखें। फिर थोड़ी देर बाद आपने आपने चूल्हे की आँच को मीडियम फ्लेम पर लेना, ठीक है। आप ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त खूबसूरत सी फॉर्म में बने। मैं आप आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये प्लेट और प्लेट में निकाली है, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह की शान। चले खाइएगा, रमज़ान में स्पेशली बनाइए। बहुत वैसे झटपट बनने वाली इतनी मुश्किल डिश नहीं जितना हम सोच देते हैं, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ये आप लोगों की मोहब्बत हमारे लिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।